सुफरे ने आप देख सकते हैं Redmi Note 10s है और ये फ़ोन में जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ है और किसी भी तरह का पैटर्न या पिन लॉक लग जाता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो किस तरह से इसका जो है FRP या पैटर्न पिन बाईपास किया जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आप लोग खोलने की काफ़ी प्रयास करते हो फ़ोन खुलता नहीं है। आपको कुछ इजी ट्रिक मैं बताता हूँ, फ़ोन को जो है हार्ड रीसेट की से भी आप लोग रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हार्ड रीसेट वॉल्यूम अप और पावर की को जो दबा के करने वाला मेथड है उसी तरह से हम करेंगे। वाइप डाटा आप क्लियर कर दोगे आपका फ़ोन का जो भी डाटा है इरेज हो जाएगा, साथ में आपका फ़ोन का पैटर्न पिन जो भी है खुल जाएगा। साथ में आपको दो तीन प्रॉब्लम भी होने वाले हैं जिसमें आपको यदि ईमेल आईडी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका FRP लॉक नहीं आने वाला, आप ईमेल आईडी जो है वो डाल दोगे खुल जाएगा। लेकिन आप ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल गए तो आपको प्रॉब्लम होगा। और आपको फ़ोन में यदि MI अकाउंट चल रहा था, MI अकाउंट बना के रखे तो वो भी आपके फ़ोन में लग सकता है, आपको उसको भी बाईपास करना होगा। यहाँ पे जो है MIUI वर्जन देख सकते हैं 12.5 है और यहाँ पे इसमें जो है अभी किसी भी तरह का जो है लॉक नहीं दिख रहा है। और आगे बढ़ेंगे और स्टेप फॉलो करेंगे, यदि FRP या गूगल अकाउंट लॉक रहा जो इसमें ऑलरेडी चल रहा था, यदि आता है तो उसे भी रिमूव करने के लिए यदि आपके पास पासवर्ड ईमेल आईडी है तो हो जाएगा ठीक, लेकिन नहीं है तो आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा बाईपास मेथड, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। लेकिन इस फ़ोन में यदि आता है तो मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखा दूंगा। साथ में आपको एक काम करना है, साथ में आप लोग ये कर सकते हो, यदि आपके फ़ोन का जो है ईमेल आईडी पासवर्ड पता है तो फाइल माई डिवाइस ऐप करके उसका भी देख सकते हैं FRP लॉक आ गया, यानी कि गूगल अकाउंट जो ऑलरेडी इसमें चल रहा है वही यहाँ पे सेम देना है। और साथ में आपको यहाँ पे एक काम करना है कि आपके फ़ोन में जो भी MI अकाउंट लॉक है उसे आप रिमूव करना चाहते हो तो आपके पास उसी नंबर का सिम है तो आप लोग कर लोगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने FRP लॉक इसका बाईपास कर दिया है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन एंड्रॉयड वर्जन और यहाँ पे ये सब ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू में जाके आपको ऑफ करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जीमेल आईडी है यहाँ पे किसी भी तरह का जीमेल आईडी नहीं रहा, जो था रिमूव हो गया है और फ़ोन अनलॉक होके खुल गया है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि MI अकाउंट आ जाता है आपके पास उस नंबर का सिम भी नहीं है, आपका फ़ोन लॉक हो गया है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपके फ़ोन को PC के थ्रू फ्लैशिंग करना होगा, पूरी जो है आपकी सॉफ्टवेयर को फ्लैशिंग करके तब आपका फ़ोन ये खुलेगा। यहाँ पे हम इसे एक्सेसिबिलिटी जो है ऑफ कर दिए और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का जो लोगो था वो भी हट गया है और फ़ोन आराम से खुल गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, फ़ोन में अच्छे से चल रहा है। और इसी तरह के और भी नए अपडेट आने वाले हैं जो है TFM टूल के ऊपर और काफ़ी सारे GSM फोरम के साइड पे बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाना बाकी है, तो धीरे धीरे करके एक एक वीडियो आने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह के MI अकाउंट लॉक भी नहीं है और कोई भी पैटर्न पिन पासवर्ड भी नहीं है, तो ये काम आप लोग करो बेझिझक, कोई भी दिक्कत नहीं आता। यदि आप लोग फ़ोन अनलॉक करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल नया सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।